अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहारी मटन की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है और इजी टू प्रिपेयर है। सब कुछ एक साथ डालकर चढ़ा दो और रिलैक्स करो, फिर देखो क्या कमाल की ग्रेवी तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिहारी मटन बनाने के लिए सबसे पहले हम राई के तेल को गर्म कर लेंगे। तो मैं चूल्हे को ऑन कर लेती हूँ। बिहारी मटन बनाने के लिए मैंने 1/3 कप राई का तेल लिया है और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। आप राई का तेल किसी भी चीज़ में यूज़ करें तो पहले उसे अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब थोड़ी देर में देखिए इसमें झाज बनने लगा है, तो जब ये सभी झाज अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब राई का तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और तेल के टेम्परेचर को थोड़ा कम होने के लिए साइड में रख दूंगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम हैवी तले का बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने लिया है 750 ग्राम मटन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 3 हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अब इसमें सभी बेसिक मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 से 5 छोटी साइज की रफली स्लाइस की गई प्याज, इसको मैं हाथों से मल कर डालूंगी। अब इन सभी मसालों को और प्याज को मटन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मलेंगे हाथों की मदद से। इसे जितना अच्छी तरह से मलेंगे ना तो इसका सभी फ्लेवर बाहर निकलेगा। तो इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी गर्म किया गया राई का तेल। अब मटन को बिल्कुल धीमी आंच पर तकरीबन 1 घंटे के लिए ढककर पकाएंगे। इसमें मैं 2 तेज़पत्ता ऐड कर लूंगी, इसे मैं हाथों से क्रश कर लूंगी। और मैंने मटन में पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। प्याज और मटन जब अपना पानी रिलीज करेगा तो उसी में मटन कुक होगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए इसमें पानी नज़र आ रहा है, जबकि मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था। ये मटन और प्याज से जो पानी रिलीज हुआ है ये वही पानी है। तो इसे अभी अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे ढक कर और पकने देंगे धीमी आँच पर। चलिए इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं। मटन को अभी पकते हुए लगभग 45 मिनट हो चुके हैं और इसमें अभी भी हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है। तो मैं इसे पहले अच्छी तरह से चला लूँगी ताकि इसमें जो प्याज नज़र आ रही है वो अच्छी तरह से घुल जाए। इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए इसमें जो प्याज नज़र आ रही थी वो भी अच्छी तरह से घुल गई है। तो मैं इसे 10 से 12 मिनट और धीमी आंच पर इसी तरह कुक करूंगी ढककर। अगर मटन में थोड़ी बहुत कसर है तो मटन भी अच्छी तरह से गल जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। मटन को कुक होते हुए लगभग 1 घंटा हो गया है और इसका पानी भी देखिए पूरी तरह से ड्राई हो गया है और तेल जो है मसाले से सेपरेट हो गया है। चेक कर लेते हैं मटन गला है या नहीं।
तो देखिए गोश्त भी हड्डी से आसानी से अलग हो रहा है, मटन भी अच्छी तरह से गल गया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ग्रेवी के लिए, लेकिन मैं इसे इसी तरह ड्राई रखूँगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिहारी मटन सर्व के लिए तैयार है। अब आंच को बंद कर देंगे। आपको हमारी ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।